और उससे हमें पूरे देश कार्यक्रम का शुभ आज के सांस्कृतिक कुंभ का आयोजन मैं समझता हूँ कि ये चार चांद लगाएगा और इस दो दिवसीय उत्सव में जो गीत गूंजेंगे जो नृत्य उमड़ेंगे वह जम्मू कश्मीर और भारत की विविधता में बसी एकता के भाव को नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। सामान्य रूप से आप में से अधिकांश लोग टेलीविजन देखते हैं, अच्छा सीरियल जब आता है तो विज्ञापन थोड़ी देर ही लोग देखना पसंद करते हैं, ज्यादा देर का विज्ञापन उबाऊ हो जाता है। अभी जिन कलाकारों ने बहुत ही शानदार और खूबसूरत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आपको देखने के मिलेंगे। मैं विज्ञापन के तौर पर अपनी सीमा का ध्यान रखते हुए बहुत चंद शब्दों में अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा। चंद लाइनें कलाकारों को नजर करना चाहूंगा। इश्क के आते ही मुंह पर मेरे फूली है बसंत, इश्क के आते ही मुंह पर मेरे फूली है बसंत, हो गया जर्द ये सागिर जब उस्ताद आया, हो गया जर्द ये सागिर्द जब उस्ताद आया, मेरे काबू में न पहरों दिले नशाद आया, वो मेरा भूलने वाला जो मुझे याद आया, वो मेरा प्राचीन काल से ही ज्ञान अध्यात्म का यह ऊर्जा क्षेत्र कला की अनेक आकर्षक विधाओं के लिए प्रसिद्ध रहा है। जम्मू तथा कश्मीर दोनों संभागों में गीत संगीत एवं नृत्य के विभिन्न स्वरूप लोकगीतों और लोक नृत्यों के बिखरे हीरे मोती इस धरोहर के परिचायक रहे हैं। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर नारी शक्ति के प्रदर्शन के द्वारा संपूर्ण भारत को इस महान परंपरा को देखने और सराहने का भी अवसर मिला था। अभी कुछ दिन पहले ही गणतंत्र दिवस जम्मू कश्मीर के गौरव का परचम लहराने वाली नारी शक्ति की मूर्त रूप सभी कलाकारों से मैं मिला था और उन्हें बधाई भी दी थी। उन्होंने अपनी साधना के द्वारा पूरे देश में जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है और यहाँ के सांस्कृतिक समुदाय का मान भी बढ़ाया है। जम्मू कश्मीर की कला संस्कृति लोक कथा लोक नृत्य लोक संगीत ये विभिन्न रूप चेतना और विभिन्न धारा की तरह हैं जो समाज को समृद्ध बनाते हैं, सशक्त बनाते हैं, मन में विकास के संकल्प को मजबूत करते हैं और नई पीढ़ी के लिए बेहतर भविष्य को भी आलोकित करते हैं। पिछले 3-4 वर्षों में मैंने इस बात को अच्छी तरह महसूस किया है कि भाषा की विभिन्नता के बावजूद कला की सभी विधाओं में अद्भुत समानता है और सभी कलाकारों का ये लक्ष्य रहा है कि अपनी साधना के द्वारा वह राष्ट्र निर्माण के लिए एक समान विचार एवं भावों का प्रसार करें। यह कहना ज्यादा उचित होगा कि जम्मू कश्मीर देश के साहित्य और संस्कृति के केंद्र में है, जिसमें विविध धार्मिक और सामाजिक भावनाओं का संगम देखने को मिलता है। इसीलिए जम्मू कश्मीर प्रशासन का यह प्रयास रहता है बड़ी शिद्दत से कि इस मिट्टी की आध्यात्मिक सांस्कृतिक सामाजिक भावनात्मक एकता मजबूत करने का प्रयास होता रहना चाहिए और कला लेखन से जुड़े कलाकारों और विचारकों को अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का पर्याप्त अवसर भी मिलना चाहिए। महान संगीतकार तानसेन ने अपने गुरु हरिदास के लिए एक बात कही थी और ये किस्सा बड़ा मशहूर है। उन्होंने कहा था कि मैं कुछ पाने के लिए गाता और बजाता हूं
और हरदास जी ने उस पा लिया है, इसलिए बजाते गाते हैं। ये बड़ी गूढ़ बात है। बहुत से कलाकार हैं जिनके गीतों को सुनकर या नृत्य को देखकर लगता है कि शायद उन्हें अस्तित्व से कुछ अनमोल आशीर्वाद मिला हुआ है जो उनके माध्यम से समाज को जीवंत बनाता है। और इसीलिए कहा गया कि कभी साया है कभी धूप मुकद्दर मेरा कभी।